हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं रानिश पर एक्सेवरेबल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ WWE रेसलमेनिया 38 के ऑफिशियल मैच कार्ड के हवाले से। अभी तक तकरीबन WWE ने रेसलमेनिया 38 की दोनों नाइट्स के लिए तकरीबन 6 से 7 मैचेस कंफर्म किए हैं। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन से मैचेस हैं। कुछ मैचेस के हवाले से तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आज इस वीडियो के अंदर सारे ऑफिशियल मैचेस के हवाले से बताऊंगा और वो मैचेस जो कि हमें इस साल रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन मैचेस के बारे में जो कि WWE ने अभी तक ऑफिशियली कंफर्म कर दिए हैं, और फिर एंड में हम बात करेंगे उन मैचेस के बारे में जो कि अनकन्फर्म हैं लेकिन रूमर्स हैं कि ये मैचेस हो सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इन मैचेस की बैटिंग ऑर्डर प्रेडिक्शन के हवाले से भी बताऊँगा। सबसे पहले जिस मैच के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, ये मैच होगा एक सिंगल्स मैच जो कि WWE ने अभी रिसेंटली ऑफिशियली कन्फर्म किया है रेसलमेनिया 38 के लिए। ये मैच है ड्रू मैग्नेकायर और हैप्पी बैरन कॉर्बन के दरमियान। अगर आप लोगों को मेरी एलिमिनेशन चेंबर वाली वीडियो का कुछ आइडिया हो तो मैंने उसमें कहा था कि हमें रेसलमेनिया 38 के अंदर इन दोनों के दरमियान एक सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है, और एग्जैक्टली इसी तरह ही हुआ है। WWE ने ये मैच ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है। ड्रू मैग्नेकायर के हवाले से देखा जाए तो ये कोई इतना बड़ा मैच नहीं है, लेकिन क्योंकि और कोई स्टोरी लाइन WWE ड्रू मैग्नेकायर की चला नहीं रही थी, तो इसलिए इस साल ड्रू मैग्नेकायर जो है वो हैप्पी बैरन कॉर्बन के खिलाफ मैच रेसल करेंगे। अगर मैं बैटिंग ऑर्डर के हवाले से बात करूं तो अभी तक इस मैच को जो क्लियर फेवरेट हैं जीतने के लिए वो हैं ड्रू मैग्नेकायर, और बैटिंग ऑर्डर के मुताबिक बैरन कॉर्बन का इस मैच के अंदर कोई भी चांस नहीं है। इसके बाद मैं अगले मैच के हवाले से बात करूंगा, और ये होगा वुमेंस टैग टीम मैच जो कि WWE ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। इस मैच के अंदर कारमेला और ज़ेलिना वेगा अपनी वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगी अगेंस्ट नियोमी एंड साशा वैंग्स। अगर मैं इस मैच के बैकिंग ऑर्डर के हवाले से बात करूं तो बैकिंग ऑर्डर के अंदर अभी तक जो क्लियर फेवरेट हैं वो हैं नियोमी और साशा बैंक्स इस मैच को जीतने के लिए। और बैकिंग ऑर्डर के मुताबिक ये दोनों जो हैं रेसलमेनिया में क्या कहते हैं न्यू वुमेंस टैग टीम चैंपियन बन जाएंगी। अगर मैं इन दोनों मैचेस के हवाले से ये बात करूं कि हमें किस नाइट के ऊपर देखने को मिलेंगे, तो अभी तक तो ये दोनों मैचेस जो हैं वो रेसलमेनिया की नाइट 1 के लिए बुक किए जा रहे हैं, यानी कि ये दोनों मैचेस हमें रेसलमेनिया नाइट 1 के ऊपर देखने को मिलेंगे। इसके बाद जिस अगले मैच की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये होगा एक सिंगल्स मैच रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच के अंदर बेकी लिंच जो है वो अपने टाइटल को डिफेंड करेंगी अगेंस्ट 2022 एलिमिनेशन चैम्बर विनर बियांका ब्लेयर के खिलाफ। अगर मैं बैकिंग ऑर्डर के हवाले से बात करूं तो अभी तक बैकिंग ऑर्डर के मुताबिक इस मैच के लिए जो फेवरेट हैं वो हैं बियांका ब्लेयर। बैकी लिंच के भी नंबर आसपास ही हैं, लेकिन बैकिंग ऑर्डर जो हैं वो अभी तक बियांका ब्लेयर को फेवरेट करार दे रहे हैं। और बैकिंग ऑर्डर के मुताबिक इस मैच के अंदर बियांका ब्लेयर जो हैं वो बैकी लिंच को हरा देंगी और बन जाएंगी न्यू रॉ वुमेंस चैम्पियन। और ये मैच जो है ये भी हमें हो सकता है रेसलमेनिया की नाइट 1 के लिए ही नाइट 1 के ऊपर ही देखने को मिले। इसके बाद जिस अगले मैच की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये भी हमें वुमेन डिवीजन से ही देखने को मिलेगा। और इस मैच के अंदर शार्लेट फ्लेयर जो है वो अपनी स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगी अगेंस्ट 2022 रॉयल रंबल विनर रोंडा राउजी। अगर मैं इस मैच के बैकिंग ऑर्डर के हवाले से बात करूँ तो बैकिंग ऑर्डर जो हैं वो अभी रोंडा राउजी को काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रहे हैं शार्लेट फ्लेयर के मुकाबले में। जितना गैप बियांका ब्लेयर और बैकी लिंच के बैकिंग ऑर्डर्स में था, इस मैच के जो बैकिंग ऑर्डर्स हैं शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी के जो मैच के बैकिंग ऑर्डर्स हैं इसमें ज़्यादा बड़ा गैप है विनर के दरमियान में और लूजर के दरमियान में। जो रोंडा राउजी को बैकिंग ऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं शार्लेट फ्लेयर के मुकाबले में। और बैकिंग ऑर्डर्स के मुताबिक इस मैच के अंदर शार्लेट फ्लेयर जो है वो अपनी स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप हार जाएंगी। इसके साथ साथ इस मैच के हवाले से जो एक और रूमर है वो ये है कि ये मैच जो है रेसलमेनिया 38 की नाइट 1 को मेन इवेंट भी कर सकता है, क्योंकि रेसलमेनिया 38 के लिए अभी तक कितने बड़े मैचेस नाइट 1 के लिए जितने भी मैचेस हैं उन सब मैचेस में ये मैच जो है बड़ा है, और हो सकता है कि ये मैच जो है वो रेसलमेनिया 38 की नाइट 1 को मेन इवेंट भी करे। अनलेस और अनटिल अगर WWE कोई और बड़ा मैच रेसलमेनिया 38 की नाइट 1 के लिए बुक ना करे तब तक। उसके बाद जिस अगले मैच की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये भी WWE ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, और ये कई रेसलिंग फैंस के लिए एक री मैच है, क्योंकि इस मैच के अंदर फिनोमिनल AJ स्टाइल जो है वो फेस करेंगे WWE हॉल ऑफ फेमर एज को। ये एक सिंगल्स मैच होगा जो कि अभी तक WWE ने कंफर्म किया है, लेकिन जिस तरह की अभी तक इस मैच की स्टोरी लाइन स्टार्टिंग से ही जितनी अग्रेसिव जा रही है, तो हो सकता है इस मैच के अंदर आगे जाके WWE को स्टिपुलेशन भी ऐड करते
मैच के हवाले से, और अगर ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू करती है तो ये मैच जो है हमें रेसलिंग वाइज भी और वैसे भी रेसलमेनिया 38 का एक बेस्ट मैच हो सकता है। अगर मैं बैकिंग वॉक के हवाले से बात करूं तो इस मैच के अंदर जो अभी तक फेवरेट हैं वो हैं एजेस काइल्स। हो सकता है आप लोगों को ये सुन के थोड़ा सा शॉक लगे कि एज के मुकाबले में एजेस काइल को बैकिंग वॉक ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम स्टोरी लाइन के हवाले से देखें तो एजेस काइल जो हैं वो बेबी फेस हैं इस वक्त, और एज जो है उन्होंने अपना हील टर्न कर लिया है। और जस्ट इमेजिन कि अगर एजेस काइल जो है वो एज को रेसलमेनिया 38 के अंदर हरा देते हैं तो ये हो सकता है एजेस काइल के करियर की सबसे बड़ी विक्ट्री हो, एक्सेप्ट जॉन सीना हम उतनी बड़ी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन रेसलमेनिया के स्टेज के ऊपर एजेस काइल जो है वो अगर एज को हराते हैं तो ये काफ़ी बड़ी विक्ट्री होगी। बैकिंग ऑर्ड इस मैच के काफ़ी क्लोज हैं, दोनों में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं दोनों रेसलर्स के जीतने के, लेकिन जो अभी फेवर है बैकिंग ऑर्ड्स के अभी जो नंबर्स हैं वो एजेस काइल्स को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। इसके बाद जो अगला मैच है वो डेफिनेटली मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया 38 की नाइट 2 को, और इस मैच के अंदर रोमन रेंस जो हैं वो अपनी यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को डिफेंड करेंगे और ब्रॉक लेसनर जो हैं वो अपनी WWE चैम्पियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट रोमन रेंस। मतलब ये एक विनर के एक ऑल मैच होगा, और इस मैच के अंदर दोनों ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, और जो विनर होगा वो दोनों चैम्पियनशिप को अपने पास रख लेगा। अगर मैं बैकिंग ऑक्स के हवाले से बात करूं तो अभी तक इस मैच को जीतने के लिए जो नंबर्स हैं वो काफ़ी क्लोज हैं ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के। अभी तक जितने भी ब्रॉक लेसनर के और रोमन रेंस के रिसेंटली मैचेस हुए हैं इस बैकिंग ऑक्स के हवाले से अगर मैं कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉक लेसनर क्लोज हैं इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन स्किल अभी भी बैकिंग ऑक्स जो हैं वो रोमन रेंस को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, और बैकिंग ऑक्स के मुताबिक रोमन रेंस जो हैं वो रेसलमेनिया 38 के अंदर डबल चैम्पियन बन जाएंगे। दोस्तों वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो के अंदर ऑफिशियली जो WWE ने मैचेस कंफर्म किए हैं रेसलमेनिया 38 के लिए उसके साथ साथ तो रूमर मैचेस जो हैं रेसलमेनिया 38 के लिए जो कि अनऑफिशियल हैं जिनके चांसेस हैं कि वो ये मैचेस हो सकते हैं उनकी भी एक डिटेल वीडियो इसी के अंदर टॉपिक को इसी वीडियो के अंदर उस टॉपिक को भी कवर करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इस वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इस वजह से मैं उस वीडियो उस टॉपिक के हवाले से जो कि WWE के रूमर मैचेस हैं रेसलमेनिया 38 के लिए उसके हवाले से एक अलग वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।